तो देखो प्रेस की स्वतंत्रता, अब प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे तो न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अनुच्छेद 19(1) के अधीन प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, और आपको रटवा भी दिया गया है, क्लास छूटा है तो आप अनएकेडमी का जो पहला क्लास है वो देख सकते हैं, या एचआर एकेडमी यूट्यूब चैनल वाला आप क्लास भी देखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है इसके अंतर्गत तीन तत्व शामिल किए जाते हैं, सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, सूचना को प्रकाशित बोले तो पब्लिश करने की स्वतंत्रता, प्रकाशित सामग्री के प्रसार विक्रय तथा प्रचार की स्वतंत्रता। तो याद रखिए कि इस प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या है, कि कोई भी सूचना सब के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, प्रकाशित करने की स्वतंत्रता तथा प्रकाश विक्रय और प्रचार की स्वतंत्रता। न्यायिक निर्णय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया है। अब देखिए कोई न्यायिक निर्णय को लेकर होगा तो उसमें परिचालन की स्वतंत्रता, संपादकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता, बिना सेंसर या निर्बंधन के लिखने तथा प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार, लेकिन विज्ञापन तथा सिनेमा को प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं माना जाता है। या देखिए है ना, विज्ञापन और सिनेमा को प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं माना जाता है ना जी। कोई भी देखो न्यूज़पेपर में विज्ञापन में कुछ कुछ छोटा छोटा विज्ञापन दिया जाता है, वो सबको प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में कुछ कुछ विज्ञापन आते हैं, या इसमें से कोई चार पॉइंट दे देंगे, अब बोल देगा इनमें से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आते, तो क्या विज्ञापन आपका होगा? नहीं। सिनेमा होगा? नहीं। और आप देखोगे प्रेस परिषद का गठन पर अगर फोकस किया जाए तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए प्रथम प्रेस आयोग द्वारा 1954 में प्रेस परिषद के गठन के लिए दिए गए सुझाव पर 1966 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। तो याद रखिए प्रथम प्रेस कमीशन कब? 1954 में। परिषद का गठन कब हुआ? तो 1966 में। इस परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं जी। हाँ जी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सही कहा जी आपने। तो सोच लीजिए कितने अध्यक्ष एक और कितने मेंबर 28, मतलब टोटल 29, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के चीफ जस्टिस, समाचार पत्रों को संपादकों मतलब एडिटर, ये सब जो है प्रबंधक, पत्रकारों, संसद सदस्य, साहित्यिक शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संगठनों के सदस्य को शामिल किया जाता है। कोई व्यक्ति प्रेस परिषद का सदस्य केवल दो बार हो सकता है, याद रखे ये सबको, पीटी लेवल आप याद रखे ठीक है, और मेंस लेवल तो बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्टिव लेवल एग्जाम के लिए भी तो बहुत जरूरी है। यह परिषद समाचार पत्रों और सरकार दोनों की ओर से तथा दोनों के विरुद्ध शिकायत सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट।